गाइज, अगर आप विंडोज का यूज करते हैं तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में अपना एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसे फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल नंबर से भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। ब्राउजर पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इसमें आपको टाइप करना है microsoft.com। ये टाइप करने के बाद आपको इंटरफेस करना है, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहीं से हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और साइन इन करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी अकाउंट नहीं है, हमें तो क्रिएट करना है, इसलिए आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वन का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप तीन तरीके से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का, अगर आपके पास कोई ईमेल अकाउंट है तो आप यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है मोबाइल नंबर का, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर का यूज करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन में अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आगे की जो प्रोसेस है वो तीनों में सेम होगी। तो यहाँ पर मैं जीमेल अकाउंट का यूज करके अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो जीमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए। पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो स्ट्रॉन्ग हो और याद रखने में इजी हो। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपका नाम पूछेगा, तो आपको नाम एंटर करना है जिस नाम से आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है। तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं इंडिया कर लेता हूँ। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, तो पहले आपको डे सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर वेरीफाई मेल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आपने जो ईमेल आईडी एंटर की थी उस पर एक ओटीपी गया है, मैंने इसी ईमेल एड्रेस को एंटर किया था। तो मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन करूंगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है gmail.com, एंटर प्रेस करेंगे। जीमेल ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मुझे एक मेल आया है और इसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिल जाता है, इसे आपको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। गाइस, अगर आपको ये मेल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और स्पैम पर क्लिक करना है। अगर ये मेल आपको इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो आपको स्पैम में मिलेगा, क्योंकि कई बार गूगल इसे स्पैम समझकर इसके अंदर डाल देता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो नीचे चेकबॉक्स है इसे आपको टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। गाइज, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद गूगल आपसे एक ह्यूमन टेस्ट करवाएगा, जिसमें आपको कुछ पजल्स दी जाएगी, अगर आप उन्हें सोल्व कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि आप एक ह्यूमन है। तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पजल ओपन हो जाएगी। तो चलिए पजल को देखते हैं। यूज द एरोज टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड, मतलब यहाँ पर आपको एक एनिमल दिखाई देगा जिसका फेस आपको इस हैंड की डायरेक्शन में करना है, और इसे मूव करने के लिए आपको दो एरो मिलेंगे जिनसे आप एनिमल को मूव कर सकते हैं। तो सेम डायरेक्शन में आने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद एक और पजल आपके सामने ओपन हो जाएगी, अब इसे भी आपको सोल्व करना है। गाइस, जरूरी नहीं है कि यही पजल आपके सामने आएगी, कोई दूसरी पजल भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसे कर लेंगे। और इन पजल्स को सोल्व करने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको अपना नाम दिखाई देगा,
अब गाइज अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बस एक मिनट और देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या रिकवरी ईमेल ऐड करना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करके साइन इन करना है। स्टे साइन इन का ऑप्शन आपके पास आएगा तो आपको यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप नेम एडिट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।